अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिक्स सेंसेस से चेक आउट किया और चेक इन किया कॉनरेड में। कॉनरेड भी बहुत खूबसूरत नज़ारों में है। अभी पहुंचे हैं और सी व्यू आप देख लें, तो चेक इन करेंगे। चेक इन के बाद फिर आपके साथ शेयर करेंगे नज़ारे। टाइम है ब्रेकफास्ट का। मजेदार ब्रेकफास्ट किया, एक बार फिर से बाहर निकल आए। नज़ारे आप देख सकते हैं, समंदर, पूल, छोटे छोटे आइलैंड और यहाँ पर जगह जगह स्विंग्स भी लगाए हुए रिलैक्स होने के लिए। आपको स्विंग भी यहाँ पर मिलेंगे। तो बड़ा होटल है, बड़ा नाम है, बहुत कुछ है देखने को और दिखाने को। थोड़ा रिलैक्स होंगे और फिर आपके साथ शेयर होगा मज़ीद लाभ। थोड़ा आराम किया और अब जाएंगे समंदर के किनारे। समंदर आपको दिखाएंगे और क्या है मज़ीद इस रिसोर्ट में, इस लग्जरी रिसोर्ट में, हम भी देखना चाहेंगे और आपको भी दिखाना पसंद करेंगे। तो रहिए मेरे साथ। सो रहे हैं समंदर के किनारे, मजा आ रहा है। स्विंग है एक छोटा सा। अच्छा जी, टाइम है सनसेट का। कॉनरेड के पूल से हम देख रहे हैं सामने समंदर के नज़ारे और हो रहा है सनसेट। विला, लग्जरी विला है। एलीट लोग आते हैं यहाँ पर, एलीट क्लास के लोग रहते हैं। और अल्फाज नहीं है किस तरह बयान करूँ ये ब्यूटी। अल्लाह ताला कुदरत के ये नज़ारे अमेजिंग। आराम करूंगा, फिर कल फ्लाइट है बैंकॉक, बैंकॉक से इस्लामाबाद वापसी होगी। तो आखिरी दो दिन मैंने ज़्यादा आराम किया, कोशिश की कि कोसमोई का कॉनरेड आपके साथ शेयर करूं। तो उम्मीद है कि ये सारा ट्रिप आपको अब तक पसंद आया होगा। फिर देखते हैं, कल एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट होगी, तो आखिर तक आपको अपडेट रखेंगे।
ये है मेरा आखिरी ब्रेकफास्ट थाईलैंड को समोई में थाईलैंड ट्रिप का, और इसके बाद फिर डायरेक्ट जाना है एयरपोर्ट बैंकॉक, और बैंकॉक से होगी फ्लाइट इस्लामाबाद। ये है कोसमोई एयरपोर्ट का वेटिंग हॉल। छोटा एयरपोर्ट है, बड़ा नीट क्लीन है और अलग अंदाज में बनाया हुआ है। फ्लाइट के इंतज़ार में है, 40 मिनट बाद होगा फ्लाइट। कोसमोई से बैंकॉक पहुंच चुका हूं और बैंकॉक से अब होगा फ्लाइट इस्लामाबाद को। तकरीबन 3 घंटे बाद होगा फ्लाइट। इंतज़ार करूंगा और एहतियात भी करूंगा।